चलिए अब हो गए क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू की बात, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री करने से पहले एक चीज बताता हूं, जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू, उसको सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप उसको एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा। लास्ट वाले प्रॉफिट में 8000 माइनस करना था, वो गलती से 80000 माइनस होकर के 270 आ गया, तो वो वाला जो पार्ट है उसको एक बार आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको बता दूं, उस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है 2003 से 2006 का, और इस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग है वो 31 दिसंबर को है। पहले वाले क्वेश्चन में 31 मार्च की क्लोजिंग थी, इस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग है वो 31 दिसंबर की है। तो आपको नेट प्रॉफिट गिवन थे, तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा। अब पहली एडजस्टमेंट ने बोला कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था 6000 का, आपने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपने उसको दिखाया। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते हैं तो उसको वापस से एड बैक करते हैं। देखिए, अब आपने इसको असेट्स माना, तो जिस दिन परचेज की थी और जब तक इसकी क्लोजिंग है उस दिन तक का आपको डेप लगाना है, आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा, उसमें ऐड किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो ट्रीटमेंट हुआ है 2005 में, तो यहां पे ये एडजस्टमेंट के बाद अमाउंट आ गया। और फिर है डेप्रिसिएशन, सेप्टेंबर में खरीदी, सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, फोर मंथ का डेप यहां पे लगा दिया। उसके बाद WDV मेथड है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर में पूरे वन ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ। उसके बाद फाइनली हमें यह अमाउंट मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, उसी के लिए जब क्लोजिंग ओवर वैल्यूड हुआ 2004 का तो माइनस कर दिया, और वही क्लोजिंग स्टॉक 2005 में जाके 2005 का ओपनिंग बना, तो 2005 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हुआ, तो उसको मैंने यहां पे माइनस कर दिया। क्योंकि देखिए, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी अपोजिट होगा। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैनेजमेंट कॉस्ट, जो हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट है वो पर ईयर है, तो इसीलिए हर ईयर में से 4800 रुपीज माइनस कर दिए। तीन एडजस्टमेंट के बाद हमें यहां पे एक फाइनल अमाउंट मिला, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। और फिर वहां पे सेम देखिए मीन निकाला है, एक्स और एफ दिया हुआ है, एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा एक्स हो गया, वेटेड हमारा एफ हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी, दोनों का प्रोडक्ट किया, दोनों के प्रोडक्ट का सम निकाला और उसको 10 यानी कि वेट से, वेट के सम से डिवाइड किया, उसके बाद आपका आंसर आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसको आपने ईयर परचेज से जैसे ही मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपके सामने एक आंसर आया, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। देख बेटा, ये जो एडजस्टमेंट है ये जहां पे भी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है या वेटेड एवरेज प्रॉफिट का काम है, वहां हर जगह अगर कुछ ऐसे एरर या एडजस्टमेंट है तो हर पार्ट में, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड हो, हर एक मेथड में आपको ये करना होगा, ठीक है ना। चलिए एक बार अच्छे से आप देख लीजिए इसको।